चलिए इसी बीच बात करते हैं उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर 3 बदमाशों को गोली लगी है मुठभेड़ में और 6 जवान भी घायल हो गए हैं। बदमाशों ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की थी, जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बर्नगर रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस गाड़ी में 5 दिन पहले तोड़फोड़ करने वाले 3 बदमाश रविवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। तीनों के पैर में गोली लगी है। 6 पुलिसकर्मी भी इस घटना में घायल हुए हैं। एसपी सचिन उतुलकर ने बताया कि इन पर 10,000 रुपए का इनाम था। सोहन पटेल, नितेश उर्फ काऊ और करण उर्फ सोनू के बड़नगर रोड पर होने की सूचना के बाद 5 टीमों ने घेराबंदी की। रात करीब 12:30 बजे बदमाशों ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। 15 राउंड फायरिंग में सोहन को 1, नीतीश और करण को 2-2 गोलियां लगी हैं। तीनों को इंदौर रेफर किया गया है। एसपी और एएसपी ने 2-2 गोलियां चलाई हैं। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बदमाश इंदौर से उज्जैन आ सकते हैं। इस सूचना के माध्यम से अलग अलग पार्टियों का गठन किया गया और पूरे शहर में जहाँ पे जिस स्थान पे आने की जानकारी थी वहाँ पे लगातार पुलिस पार्टी ने गश्त करी और सर्चिंग करी है। उसी दौरान धर्मबल्ला से जो जवासिया रोड है, सर्चिंग के दौरान एक कार रोड पर खड़ी दिखी और चूँकि कार संदिग्ध टाइप की थी और सूचना वहीं पे थी, तो पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया, जो भी पार्टियां पुलिस की थी। और कार के नज़दीक जाने पर जो व्यक्ति उसमें बैठा था, कार से उतरते ही पुलिस पे फायरिंग उसने प्रारंभ कर दी। उसके पश्चात पीछे खेत में एक पुरानी झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर बना है, वहाँ से भी फायरिंग स्टार्ट हो गई। चूँकि पुलिस पार्टी ने कॉर्डन ऑफ कर रखा था, उन्हें गिरफ्तारी के लिए ललकारा गया, लेकिन लगातार वो पुलिस पार्टी पे फायर करते रहे। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें जो 3 बदमाश थे, जो पूर्व के अपराधों में जिनका नाम भी है और इन पे इनाम भी घोषित है, वो 3 बदमाश इसमें घायल हुए हैं, जिनके हाथ में और पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने तत्काल 3 आरोपियों को अस्पताल पहुँचाया है, जहाँ पर उनका वर्तमान में इलाज चल रहा है। तो बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है और 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बता दें कि ये जो बदमाश थे, इन्होंने 5 दिन पहले पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की थी और जब मुठभेड़ हुई तब भी फायरिंग करके भागने की कोशिश ये बदमाश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए तीनों के पैर में गोली मारी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, पुलिस से मुठभेड़ में 3 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस गाड़ी में 5 दिन पहले तोड़फोड़ करने वाले 3 बदमाश रविवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। तीनों के पैर में गोली लगी है। 6 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं।